नमस्कार किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे एक अमृत तुल्य फल वृक्ष। जी हाँ दोस्तों, नाम है फालसा। होता कैसा है सबसे पहले ये देख लीजिए आप, बिल्कुल बेर जितने साइज का फल है। दिखने में ये जरूर छोटा है लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। दोस्तों अक्सर छोटे बच्चों और महिलाओं में खून की कमी हो जाती है, ऐसे में यदि इस फल का सेवन किया जाए तो ये आयरन यानी खून की पूर्ति बहुत जल्दी करता है। बाजार में यदि आप इसे खरीदने जाओगे तो 150 से 200 रुपये किलो तक आपको मिलेगा, लेकिन यदि आप अपने घर के आसपास कहीं भी एक या दो पौधे लगा लेते हैं तो आपके घर पर खाने के लिए काफ़ी सारे फल आपको मिल जाएंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर एक बार अपना नाम पता बताइए। मेरा नाम रोहतास है जी, गांव जमार, जिला सिरसा जी। आपके पीछे जो पौधा है कौन सा फल वृक्ष है ये? फालसा है जी। फालसा, तो क्या काम आता है ये? खाने का ही है, जिस तरह बेर है उसी तरह से बहुत अच्छा फ्रूट है ये। ठीक है। से ये बाड़ के रूप में आपने लगा रखा है? हाँ, ये बाड़ का ही है पौधा जी। जी, इसे आवारा पशु जो अपने खेत में ना आए? हाँ, एक तरह से इसके वो जैविक बाड़ के रूप में बाउंड्री हो जाती है, जैविक बाड़ हो जाती है जी। तो इसको कितने बाई कितनी दूरी पे लगाना चाहिए? ये वैसे तो अगर 5-5 फुट पे लगाओ तो सघन बाड़ बन जाती है इसकी। ठीक है। हमने तो वैसे ही ये लगा रखा है, कोई दूरी थोड़ी ज्यादा है इसकी। ठीक है। तो 5-5 फुट पे ये लगाना चाहिए। लगाने का टाइम कौन सा सही रहता है इसका? बस ये सही चल रहा है, अब जुलाई के महीने में सबसे बढ़िया है जी, बरसात। इसका फ्रूट जैसे आपने बताया घर पे खाने के लिए सिर्फ आपने लगाया है, कोई बागवानी का मेन पर्पज नहीं आपका? हाँ, हमारा तो सिर्फ खाने के लिए है। तो क्या कुछ बेनिफिट रहते हैं इसके? ये विटामिन प्रोटीन सारे शरीर के जो भी मिनरल हैं वो सारे पूर्ति करता है ये जी। अच्छा टेस्ट भी है इसका, बच्चे बड़े चाव से खाते हैं इसको जी। अगर बात करें एक पौधे से कितने फालसा यानी कितना फ्रूट आपने को मिल जाता है? फ्रूट तो जी इसके मेरे को लगता है 15-20 किलो तक हो सकता है। इसके छोटे छोटे होते हैं बेर की तरह जी। हाँ, ये लगे हुए हैं, खूब लगते हैं जी। इसकी कटाई होती है हर साल और ये दोबारा हो जाता है। ये देखो ये रेड कलर के होते हैं, यानी पकने के बाद लाल हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बेर की तरह हो जाते हैं। तो सर अगर इसको कमर्शियली लगाना चाहें अपने? बहुत अच्छा है, मार्केटिंग मिल जाएगी? मार्केट में इसके बहुत ज़्यादा रेट रहते हैं। अच्छा, 150-200 रुपए किलो तक मिलता है मार्केट में ये। ठीक है। अक्सर सर देखा जाता है कि अपने जो बागवानी लगाते हैं उसकी जो बाहर बाउंड्री के या तो अपने जालीबंदी करें या तारबंदी करें, तो उस जगह अगर इसको लगाए तो एक तो एक्स्ट्रा अपने को इनकम भी होगी। एक्स्ट्रा इनकम होगी और एक ये इसकी खास बात है कि ये झाड़ी है जी, तो पानी नहीं देना पड़ता इसको। एक बार पौधा लगाते हैं उस वक्त इसको जीवित रखने के लिए 2-4 महीने पानी देना होता है जी। उसके बाद ये झाड़ीदार पौधा है तो पानी की ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी। ऑटोमेटिक यानी बरसात आधारित भी हो जाएगा? बरसात आधारित हो जाएगा, थोड़ा बहुत कभी देना तो दे सकते हैं, तो इससे अच्छी बाड़ बनेगी और आमदनी भी बढ़ेगी, यानी एक एक्स्ट्रा इनकम अपने को मिल जाएगी। ठीक है।